खरगोन जिले में महिला बाल विकास द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग द्वारा मोबाइल ऐप का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण तबके तक महिला बाल विकास अब लोगों को सुविधाएं मुहैया करा के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसी को लेकर शहर के बीटीआर रोड स्थित एक हॉल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण तबके तक के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और मोबाइल ऐप की प्राथमिकता को जाना, जिसका उपयोग करके लोगों को सुविधा मुहैया कराने का संकल्प भी लिया। इस दौरान महिला बाल विकास ने मीडिया से रूबरू होकर ऐप की गुणवत्ता बताते हुए कहा कि आने वाले समय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से जोड़कर सरकार अपने दावों को मूर्त रूप प्रदान करेगी। वहीं मीडिया से रूबरू अधिकारी रत्न शर्मा ने बताया कि शासन स्तर पर कार्यकर्ताओं को राहत राशि भी प्रदान कर रही है, जिसमें निश्चित तौर पर काम करना आसान होगा। खरगोन सजय तिवारी की रिपोर्ट। आंगनवाड़ी वर्कर को रियल टाइम केस मैनेजमेंट के आधार पर रियल टाइम मैनेज मॉनिटरिंग होगी। इसमें ये मोबाइल पर अपने जितनी भी काम करेंगी, ये मोबाइल पर ऑनलाइन काम करेंगी। इसमें अभी हमने फर्स्ट चरण में इनको सर्वे कैसे करेंगी एंड्रॉइड मोबाइल से, वो पूरा सिखाया गया है। और उसके बाद 15 दिन ये फील्ड में काम करेंगी और उसके पश्चात फिर से इनकी एक और ट्रेनिंग होगी। और इस प्रकार से लगातार ये 3 चरण में ट्रेनिंग होंगी। और ये उद्देश्य है इसका कि जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन है अभी वर्तमान में, वो कार्यकर्ता इसको सीखें, और जिनके पास नहीं है वो अभी यदि वो लेना चाहें तो ले सकती हैं। उसके लिए भी इनको 500 रुपये, और ये जो अपना खुद का मोबाइल वापरेंगी यूज़ करेंगी तो उसके लिए भी उनको शासन 500 रुपये देगा और डाटा का भी अलग से पैसा देगा। तो इस प्रकार से उन पर ऐसा कोई लोड नहीं आ रहा है या कोई ऐसा कोई भार नहीं हो रहा है। बस उनका जो एंड्रॉइड फ़ोन है वो उनके काम को सरल करने के लिए काम किया गया है। मैम, कब तक इन लोगों को एंड्रॉइड मोबाइल उपलब्ध हो जाएंगे? ये शासन स्तर पर लंबित है, इसकी मैं अवधि नहीं बता पाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।